अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों हम आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं बैट एंजॉय, तूफान मचाने वाले। इस ब्लॉग में हमारे साथ देखो दानिश है, फुकान है, मतलब पूरे ग्रुप है मौजूद है। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है, तूफान होने वाला है। क्या बोलते पब्लिक? अरे मस्त, इंशाल्लाह मजा आएगी। देखो भाई 10 मिनट के अंदर हम लोनावाला पहुंचने वाले हैं। लोनावाला स्टेशन से वेट एंजॉय के लिए रिक्शे का जो भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा बताते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बाहर आके आप देखेंगे ना तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मुंबई से वेट एंजॉय के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको लोनावाला उतरना है, फिर लोनावाला से आपको रिक्शा नहीं करना है, रिक्शे में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बस करना है। और बस वाला आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ढाबा है, धनश्री दा ढाबा के जस्ट आगे ही आपको वेट एंजॉय देखने को मिल जाएगा। मैं भी बैठूंगा। आज तो भाई तूफान होने वाला है, खत्म ना भाई, कोई नहीं है इधर। ये हमारे सर, ये हम छाने मैगी बनाए हैं 2 मिनट में, और ये मैगी है खिचड़ी है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मैजिक माउंटेन यानी वेट एंजॉय अगर आते हैं तो याद रखना भाई मास्क ज़रूर लेके आना, क्योंकि मास्क जो है कंपलसरी है। एक बार मास्क पहन के अंदर आप चले जाओगे, उसके बाद मास्क आपका उतर गया तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मास्क भूल जाते हो और यहाँ पर अगर आपको मास्क ख़रीदना पड़ता है ना, तो भाई बहुत महंगा, मतलब 20-30 रुपये का एक मास्क मिल जाता है। तो भाई ये बात थोड़ा ध्यान में रख लेना कि आप जब आओगे तो मास्क लेके आना। अभी हम अंदर जा रहे हैं, बाकी कोविड का कोई इतना ये रूल नहीं है कि वैक्सीन वगैरह का ये दिखाने का सर्टिफिकेट, 2 डोज या फर्स्ट डोज दिखाओ, बिना डोज वाले भी अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर कर दूं कि वेट एंजॉय में अगर आप आते हैं, टिकट अगर लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 900 के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो ना तो शायद 1200 रुपये लगेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज की एक आईडी लेके आनी पड़ेगी, और साथ में अगर कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा तो वो भी लेके आ सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉकर में, वहाँ पे सामान वगैरह रखेंगे। और ये पूरा का पूरा भाई वेट एंजॉय का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये देखो। ओके सर। अरे तूफान अभी अंदर होएगा, इधर नहीं, अभी इधर तो हम लोग जा रहे ले। देखो कोई नहीं, कभी भी कोई नहीं सामने अपने। दोस्तों 10 बज गया है और वेट एंजॉय जो है ओपन हो गया है। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है मैजिक माउंटेन का एम्यूजमेंट पार्क, और ये है वाटर पार्क। तो हम लोग है ना वाटर पार्क का टिकट निकाले, वेट एंजॉय वाटर पार्क लोनावाला वेलकम्स यू। है कहाँ से जाना है देख लो। हाँ हाँ ठीक है। तो आ गए ले भाई अंदर, और सामने देखो भाई मैजिक माउंटेन वेट एंजॉय। कैसा लग रहा है दोस्तों, कुछ कमेंट्स? अभी तो बाकी है। तो दोस्तों हमने अभी चेंजिंग रूम में जाके नायलन का टी शर्ट और ट्राउजर पहन लिया, ये भी पहन लिया, क्योंकि नायलन का जो टी शर्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है स्लाइडिंग के। इसमें अगर आप ऐसा कोई सूती का कपड़ा पहन के आओगे ना तो फंस जाता है, तो नायलन का टी शर्ट वो ज़रूरी है। तो पहन लिए, अब मचाने जा रहे, तूफान होने वाला है। सबसे पहले कौन से स्लाइड पर जाने वाले हो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वेट एंजॉय में आपको बड़ों का भी स्लाइडिंग मिल जाएगा और बच्चों का भी स्लाइडिंग मिल जाएगा। तो सामने आप देख सकते हैं बच्चे लोगों का। तो जैसे कि भाई वेट एंजॉय जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक का आना जाना चालू हो गया है। क्या बोलती पब्लिक, पानी ठंडा? अरे बाप, पानी जो है भाई बहुत ही ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि फ्रिज का पानी है। दोस्तों अभी उसमें पानी जमा हो रहा है, और पानी जो है फट से गिरेगा बहुत जोर की, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। देखो पानी गिर रहा, जल्दी जा। अरे वाह, पब्लिक आ रही है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते, जल्दी आ। अरे नहीं बनी, बॉडी क्यों दिखाता खाली पकड़, चल जल्दी आ। ठंडा लग रहा
चल अंदर जा। आएगा आएगा अभी होने वाला है होने वाला है। तो दोस्तों बच्चे वाले पे मस्ती कर लिए अब बड़े वाले पे जा रहे। अबे पुरका मार मत भाई लग रहा है भाई। अरे नहीं तो फिर डर नहीं रहे भैया मेरा भी एक ले लेना भाई मेरा भी एक ले ले मेरा भी ले हाँ ए रुक भाई एक साथ में आदम भाई एक साथ में आएंगे रुक अबे तीन तीन लोग रुक जाने दे आदम को जाने दे फिर आपको तीन जाएंगे गया तू जाना रुक जाना ये बिस्मिल्लाह हाँ मैं आ रहा हूँ चलो हाँ चल 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 जाना हाँ चल जा हाँ भाई एक मिनट यार पकड़ ले और जा वहाँ उतर गई है वो देखो दानिश जा ओ दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूँ तो देखो क्या होता है मेरे साथ आ रहे चल भैया तू उस पे जा हाँ। मैं इस पे जाता हूँ दे मेरा यो दे चल सही है ना चलो रेडी अल्लाह अकबर आया तू ओ पूरा बॉडी फेंकता है सुपर क्या बात है अरे बाप रे लास्ट वाला जो येल्लो है उस पर हम चढ़ेंगे नहीं क्योंकि भाई मेरा दिल बहुत कमज़ोर है मेरा दिल बहुत कमज़ोर है तो भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए मैं ये छोटे मोटे पे करूँगा वो बड़ा वाला खतरनाक एकदम 90 जैसा बराबर दिख रहा है ना वो एकदम साइक्लोन नचाएंगे हाँ आगे आगे पहले मैं जाता हूँ रुक भैया तुम्हें को पकड़ भाई भैया तुम्हें को पकड़ भाई रुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले वो पकड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यू पकड़ या अल्लाह अरे बाप रे बाप या लगकर क्या फेंका रे भाई क्या फेंका अल्लाह अल्लाह ये खतरनाक था भाई पहले था बहुत अरे 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 ना यही है ना
अरे यही है यही है। अरे पानी फ्रेंड के लिए। तो भाई अभी हम लोग है ना भूमराय पे चढ़े थे, अभी साइक्लोन वाले स्लाइडिंग पे चढ़ने वाले, क्या बोमरंग वाले पे चढ़े थे, अभी साइक्लोन वाले पे चढ़ने वाले। बहुत ही खतरनाक था ये वाला भाई, ऐसा उल्टा होता है। सही है ना, अबे यार ये खतरनाक है, ये खतरनाक था भाई, ये भी खतरनाक था। ये भी खतरनाक था, ये खतरनाक था भाई। हाँ उल्टा जाएगा ये। अबे सर अबे लग गया भाई, दोनों को लग गया। हड़े हड़े लगा, लाख लाख शुक्र है कि बच गए भाई। उस पर हम लोग गिर गए थे, सर पे लगा थोड़ा चोट, मैं कैमरे के चक्कर में थोड़ा हो गया भाई, तो ख्याल रखना ज़रूरी है, ज़्यादा कैमरा नहीं करना चाहिए। और ये है भाई वेव पूल में आ गए। अभी वो वाला भी जाना है, आज गए होते भाई अपन, बच गए, लाख लाख शुक्र। हाँ ले रहा हूँ, तो चलते पानी के अंदर। ऊपर आऊंगा तब तक। 1 2 3 जल्दी मार। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। अबे वैसे ही टकला फूटा हम लोग दोनों का। लात मारूंगा ना अभी। अभी वेव पूल चालू हो गया है, अच्छा भाई लोग इधर देखो जरा। तो भाई
बैड एंजॉय में हम लोग ने 2-3 घंटा मजे कर लिए। अब जाके बहुत भूख लगी है, आवाज़ तो देख सकते बैठ गई है। तो हम यहाँ पे खाना खाने वाले, तो यहाँ पे हम खाने वाले छोले भटूरे और साथ में खाने वाले हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स छोले भटूरे अच्छा लगा तो चेपूंगा। हाँ भाई, हाँ भाई, फिर मैं हम लोग अब मैं फैयाज पार्टनर है भाई। तो भाई ये देखो भाई, हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए, तो ये रहा भाई छोले भटूरे। भाइयों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप वेट एंजॉय आते हैं और छोले भटूरे अगर नहीं खाते ना, तो समझो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। दोस्तों हमने दोपहर का लंच कर लिया है छोले भटूरे, और छोले भटूरे खाने के बाद अब हमारा जो राइड बचा हुआ है, ये राइड हमारा बाकी है, तो इस राइड पर हम चढ़ने वाले। साले इतना किरकिर मत कर। किस पे जाने वाले? अभी आप उन चुमूच वाले में जाने हैं। वो मजेदार चीज़ है। अबे सब झूल चुका है। देख रहे हैं? सारा दिन देख रहे हैं? अरे आराम से मुंडी घुमाओ तुम। अरे स्टेबलाइजेशन होगा ना? क्या बोल रहे हो? भाई देख सकते हैं ये है वाटर पार्क, और वो देखो थीम पार्क। वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे भाई झूले देख रहे हो, वहाँ पे चल रही है। खतरनाक दिख रहा है मेरे को लूट लो भाई, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। देख रहा नहीं है ये उसकी फट रही थी कितनी इतने से। क्रॉस अबे मेरी टांग अबे टूट जाएगी, अबे क्रैम्प आ जाएगा। मजाक के अलावा थोड़ा ढीला रखो, तुम पकड़ के रखो। अबे सब घस रहा है। अबे मेरी टांग, अबे मेरी टांग, अबे सही बता रहा हूँ, मेरी टांग टूट जाएगी। अबे अबे मेरी टांग, अबे कुछ भी नहीं है। अबे मेरी टांग अबे मेरी टांग, अबे जल्दी हटो, अबे हटो साले लोग, हटो हटो साले मेरी टांग। अबे अबे क्रैम्प आ गया। क्या बोलता साहब? क्यों फुरकान सीधा चल फुरकान। हाँ अबे उड़ा के फेंक दूंगा उससे वो। यार जिंदगी में लाइन कितना लगाना पड़ता है। ये वोल्केनो वो सादा है मेरे घर से। कौन सा? हाँ ये वोल्केनो, यही वाला। ए अरे जाना वो जल्दी। ये भाई चालू हो गया है। अरे हाँ मतलब सब उठेल है। अबे कुछ मजा ही नहीं लग रहा है। अबे इसका ग्रोपो हिल रहा है। मजा नहीं है रे। कहाँ छोकरा है? कहाँ? अबे छोकरा निकला ही नहीं अब तक। ये बोला था दोस्तों। वेट एंजॉय का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आप यहाँ पे आते हैं वेट एंजॉय और जितने सारे स्लाइड वगैरह जो है वह अगर आप करते हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, यानी जो पकड़ने वाली चीज़ है उनको अच्छे से पकड़िएगा, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा ऐसा हो गया है कि सर पे चोट लगते लगते बच गई है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा व्लॉग बना है आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो मेरी आवाज़ भी आप देख सकते हैं एकदम बैठ गई है, क्योंकि भाई काफ़ी आवाज़ निकल चुकी मेरी, चिल्लाया बहुत, क्योंकि काफ़ी डेंजर स्लाइड थे जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डर के मारे आवाज़ निकल रही थी। तो व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हाफिज सलाउद्दीन व्लॉग एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। ओके, सो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा एक बार, बट एंजॉय, ठीक है।